अस्सलामुअलैकुम। और क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सब से मिलाने जा रहा हूँ। हम लोग का शॉप का बगल में और एक शॉप है, जिस शॉप में नेपाल का एक भाई जॉब करता है। भैया का 4 साल हो गया सऊदी अरब में, ठीक है। तो आज इस भैया से जानेंगे सऊदी अरब का बारे में, और भैया कितना सैलरी मिलता है इस भैया का कितना घंटा ड्यूटी है। और इस वीडियो में जानेंगे फ्लाइट का बारे में, मतलब इसी वक्त फ्लाइट तो बंद है आप सबका, ठीक है। तो आपको इसी वक्त आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाली भैया से मिलता हूँ नेपाल का, उसके बाद बातचीत करते। और हाँ भाई, 4 साल तो हो गया हमको भी सऊदी अरब में। 4 साल हो गया, बहुत ज़्यादा साल हो गया। तो भैया से और हमारा भाई साहब तो हो गया 7 साल इसी शॉप में। हाँ, इसी एक ही मालिक में हो गया, 4 साल हो गया। एक ही कपिल में है, अच्छा है, चल रहा है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रहा है। जिधर का जो रिजिक है, जितना दिन उतना दिन काम करो, लेकिन जिधर काम करो अच्छा से काम करो। हाँ। यही दुआ करो कि जिधर रहे अच्छा रहे, ये नहीं कि भाग के उधर जाना है, भाग के उधर जाना ये नहीं, जिधर काम करना है अच्छा से करो। और हाँ। सब, मैं तो नेपाल का हूँ। नेपाल कहाँ से हो आप भैया? भाई नेपाल में सिराज जिला हूँ। सिराज जिला 2 नंबर प्रदेश, जिला सिराह पड़ता है, राजधानी काठमांडू पड़ता है। आप जो फर्स्ट टाइम आया था वो किसी एजेंट के पास से आया था या? हाँ भाई, हम लोग तो अब कभी भी आता है तो नहीं, हम एजेंट के साथ नहीं आया, हम सीधे हम डायरेक्ट कपिल के पास, हमारा कपिल भी साथ भेजा था, हम लोग डायरेक्ट कपिल के पास आया था। सैलरी वैलरी कितना मिलता है इधर? सैलरी ठीक ठाक मिल जाता है, सैलरी तो जैसे जैसे काम करोगे वैसे हिसाब से मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है अपना। फिर भी कितना मिल जाता है? 1200-1400 रुपये मिल जाता है। 1200-1200 सैलरी? हाँ मिल जाता है इतना। अभी फर्स्ट टाइम कितना था जब नया आए थे? नया आया था हम लोग कितना, 1100 रुपया था करीब। 1100? हाँ 1100-1200 था, ऐसे 1100-1200 दे रहा था। अभी कितना दिन बाद बढ़ता है भाई? सैलरी के तो अभी अपना अपना काम के ऊपर है, जैसा काम करोगे वैसा मिल जाता है, लेकिन सैलरी के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता सकते, जैसा है काम के ऊपर है, जितना काम करोगे उतना मिलता है पैसा। ये तो, अगर आपको सऊदी में आके किस काम ज़्यादा अच्छा लगा, कोई नया आपका अगर भाई बुलाओगी तो किस काम में बुलाओगी? भाई काम के लिए तो सब ये नहीं बता सकते ना, किस काम के लिए आप, कौन काम में आप आओगे, कौन काम में आप जाते हैं, ये तो हम अभी नहीं बता सकते ना, काम के ऊपर है ना, कंपनी के डिपेंड करता है ना। नहीं, आपको किस काम अच्छा लगता है सऊदी अरब में? काम का अपना क्या बोलो, तो जो काम मिले वही अच्छा है, और नहीं मिले तो कुछ भी नहीं है। मिले तो काम के जो ये नहीं बता सकते, काम करने आए हो तो कोई नहीं कि ये काम मेरे को करना है, काम जो मिले वो करो। ये तो है, चलो थोड़ा आपका दुकान दिखा दो। आ जाओ, आइसक्रीम खाना है, पॉपकॉर्न खाना है, आ जाओ, जो भी खाना है मुश्किल नहीं है। हाँ, ये आइसक्रीम है भाई, आइसक्रीम है और पानी है, पॉपकॉर्न है। ये पॉपकॉर्न है? हाँ भाई, पॉपकॉर्न है, बहुत सारा आइटम है सब। और ये हम लोग असम का है भाई, दिखने में तो बहुत खूबसूरत है भैया दुकान आपका। जब दुकान बनाते हैं तो खूबसूरत है बनाता है ना। हाँ ये तो है, अभी बंद कर रही हो दुकान? हाँ भाई, दुकान बंद करने का हो गया ना, दूर बज गया ना। कितना घंटा ड्यूटी है भैया? कितना घंटा खोला रहता है दुकान? दुकान 10 घंटा खुला रहता है। 10 घंटा? हाँ भाई, तो खोलते हैं 2 बजे बंद करते हैं। हाँ चलो भैया, आप सब कैसे हैं? हाँ एकदम ठीक हो भैया, आपके दुआ है, मतलब ड्यूटी सही है, ज्यादा नहीं है, 10 घंटा है हम लोग का। ठीक है, चलता है 8 घंटा 10 घंटा चलता है। हाँ हम लोग का तो एकदम 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी है। हम लोग आया 3 बजे, अभी 5 बजता है जाने के लिए। हम लोग 2 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं और 2 बजे बंद करते हैं, 2:41। हाँ सही है, थोड़ा बिंदास है, आराम है। तो ओके भैया, तो ये था भैया का दुकान, ये साथ में है स्वीट चॉकलेट। भैया अभी बंद करेगा दुकान। ओके भैया, थैंक यू, ठीक है, ओके भैया। और ये था भाई लोग का शॉप, जो नेपाल का भाई है, और इसमें बहुत सारा दोस्त है जो बांग्लादेश का भी है। और ये है हम लोग का शॉप, हम लोग का शॉप भी आपको दिखा देते, उसके बाद आराम से बैठ के आप लोग के साथ बात करते, ठीक है। तो ये है हम लोग का शॉप, आप देख सकती हो।
ये शॉप का बाहर कस्टमर वेट कर रहा है इधर, ठीक है। ये हम लोग का शॉप का बाहर है और हम लोग का साइन बोर्ड है और ये पूरा हम लोग का दुकान का अंदर है, ठीक है। आपने तो पूरा देख लिया, वो जो भैया था नेपाल का है, तो भैया का 4 साल हो गया सऊदी अरब में और 4 साल होने के बाद भी अभी सैलरी भैया का है, महीने में 1200-1400 काम का ऊपर डिपेंड है और इसका बीच में कोई बोनस वनस नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकती हो हम लोग सऊदी आके कितना कमा रहे हैं, बस उस भैया ही नहीं है, बहुत सारा मेरा दोस्त है सऊदी अरब, 4-5 साल हो गया जो मालिक का अंडर काम कर रहा है किसी शॉप में, तो उन लोग का सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं होता सऊदी अरब में, ठीक है। जो मेरा भाई सऊदी आने के लिए सोच रहा है या आने के लिए प्लानिंग कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के आओ। अगर इंडिया में आपका अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है आपका, मतलब पैसा है सऊदी आने के लिए, अभी 2-2.5 लाख लगता है, इतना पैसा है आपके पास, तो आप इंडिया में बिजनेस कर सकती हो एक अच्छा खासा, उसमें आपको अच्छा होगा। आपने तो खुद ही देख लिया भैया का 4 साल होने के बाद 1200-1400 सैलरी है। तो जैसे कि हम लोग का देखो, हम लोग का मेरे को जैसे बहुत साल हो गया अभी 2500-2600-2700 ऐसा मिलता है, ठीक है। जो मेरा साथ मेरा भाई लोग है, मेरा दोस्त लोग है, इन लोग को मतलब 2000-1500 मिल जाता है, ठीक है। तो किसी किसी महीने में 1500 भी मिलता है, 1200 भी मिलता है, मतलब कंपनी लेके बात है, आपका कंपनी किस टाइप का है उस टाइप के हिसाब से आपको सैलरी वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा फ्लाइट के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम है कितना महीना हो गया, लगभग 2 साल होने वाला है इंडिया से सऊदी अरब का फ्लाइट बंद है, ठीक है। सो बहुत सारा दोस्त ने किसी दूसरी कंट्री की से, किसी और कंट्री से सऊदी अरब आया है या आने के लिए सोच रहा है या किसी का प्लानिंग है, भाई आप आने से आ सकती हो इतना ज़्यादा खर्चा करके, मगर आपका सैलरी अगर 2000 का ऊपर हो तब आप आ जाओ, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम आ रही हो तो आपको आके इधर आप कमा नहीं पाओगी। हाँ, सऊदी आ पाओगी, ठीक है, ये मालूम है सऊदी आ पाओगी। सऊदी आने के बाद अगर आपको सैलरी मिले 1200-1400, तो इसमें खाना पीना है सोच लो 1000 बचेगा, 1000 बचने से आपको कितना इंडिया का होएगा, 19000, ठीक है। तो अगर आपको इतना खुश हो इतने में इंडिया का 19000 में, तो आप आ सकती हो, ठीक है। ऐसा है कि आपका सैलरी अगर 2000 का ऊपर हो, 2500-3000 हो, आपको मतलब 1.5 लाख भी लगे इसी टाइम आने के लिए, तो आप सीधा आ जाओ। भाई आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकती हो। आप अगर मेरा इस चैनल पे नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो, मैं आगे अच्छी अच्छी सऊदी अरब जॉब के बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी और एक वीडियो में।